राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला चिनहट थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीती रात शुक्रवार को 12 डकैतों ने बिजली ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में कर्मचारियों को असलहे के दम पर बंधक बना लिया और करीब 80 लाख की डकैती कर डाली। डकैतों के हौसले इतने बुलंद थे कि घनी आबादी होने के बावजूद उन्होंने सारी वारदात को अंजाम दिया और माल इत्मीनान से ट्रक पर लाद कर फरार हो गए। इस मामले में अभी तक चिनहट पुलिस की तरफ से कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। इस बड़ी डकैती के बाद पुलिस उपायुक्त पूर्वी लखनऊ आशीष श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बालाजी ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री के मालिक संजय अग्रवाल ने इस मामले में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि उनके फैक्ट्री के गोदाम में ये घटना हुई है। फैक्ट्री में ट्रांसफार्मर के कॉइल बनाए जा रहे थे जो कॉपर के होते हैं। फैक्ट्री में करीब 8 से 10 व्यक्ति यहाँ आए थे, जिन्होंने यहाँ फैक्ट्री में मौजूद 6 कर्मचारियों को बंधक बना लिया और कॉपर कॉइल उठाकर ले गए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। थाना चिनहट की चौकी अपरौन में 26-27 जनवरी की रात में ये घटना हुई है, जिसके क्रम में यहाँ फैक्ट्री मालिक बालाजी ट्रांसफार्मर्स के फैक्ट्री मालिक संजय अग्रवाल ने तहरीर दी है थाने पर। उन्होंने बताया है कि उनकी फैक्ट्री जहाँ पे ट्रांसफार्मर के कॉइल बदले जाते हैं, यहाँ पर रात में 8 से 10 व्यक्ति यहाँ फैक्ट्री के अंदर आए और उन्होंने यहाँ पे जो काम करने वाले उनके 6 कर्मचारी हैं उनको बंधक बनाया और उसके बाद फैक्ट्री में जो कॉपर की कॉइल थी तो लगभग 65 किलो थी, उसको ले करके चले गए। उनकी सैलरी के आधार पे थाना चिनहट में जिनको बचाने किया मतलब कर लिया गया। यहाँ आकर प्रथम दृष्टया जैसा जानकारी की गई तो ये पता चला कि यहाँ पर 6 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड भी है। इन्होंने एक बार में 4 से 6 आदमी देखे हैं जिन्होंने इन सबको बंधक बनाया। तो उनके पास सरिया जैसी कोई चीज़ थी, असलह जैसी कोई बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी हम लोग आसपास के सभी कैमराज को देख रहे हैं और यहाँ पर वीडियोज भी लिए गए हमारे समाज के लिए और हमारे टीवी देखने वाली के लिए। इस तरीके से 5 चीज़ जो इस पूरे घटनाक्रम पर की जानकारी कर रही है, इसीलिए इस पूरी घटना खुलासा किया जाए। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया सर, वो ट्रक से आए थे, कुछ सीसीटीवी के लीक्स मिले? जो अभी तक इन लोगों ने जानकारी जो यहाँ पर थे 6 कर्मचारी उनसे बात करी थी, बात करने से और यहाँ मौके पर साक्षात से समझ आया कि पहले उसके बाद बात पर पीछे से कोई गाड़ी भी आई है जिसमें सामान ला कर ले जाया गया। गाड़ी क्या है उसके बारे में हम लोग सीसीटीवी कैमरा देखते हैं, सीसीटीवी उसका पूछ रहे हैं।